सीधा जुड़ता है दुर्ग से, जहां जहां से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, बताएं जैसी कौन सी खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाए रहने वाली हैं। एक तरफ लोकसभा चुनाव है मधु जी, और दूसरी तरफ कांग्रेस भाजपा में सिर फुट अव्वल की स्थिति बयानों के मार्फत शुरू हो चुका है। जैसा कि अभी हमने अपने ही अभी लाइव प्रसारण में देखा कि जिस तरीके से केदार कश्यप और सुरेंद्र जी ने एक दूसरे के ऊपर जो कटाक्ष किया, वो देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। इससे चुनाव के आचार संहिता को लेकर ये दोनों नेता क्या कहेंगे, ये भी एक अलग बात है। दूसरी एक बड़ी बात है मधु जी, कि जिस तरीके से पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कोषाध्यक्ष रामगोपाल जी के ऊपर एक आरोप लगा था मनीष अरुण सिसोदिया जी के द्वारा कि कांग्रेस ने अपने ही कोष, अपने ही खजाने को खाली करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और लगातार अपने ही मात खातों को सबसे ज्यादा फायदा दिया, तो उसे लेकर जो आरोप लगे थे और उसकी तहत अरुण सिसोदिया को निष्कासित किए जाने की विवाद आई थी। लेकिन अब उस पर अरुण सिसोदिया ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि ये स्लीपर गैंग की तरह काम कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने मानहानि का नोटिस भेजा सीएम भूपेश बघेल को अरुण सिसोदिया ने अपने वकील के मार्फत, सौरभ चौबे जो उनके अधिवक्ता है उनके मार्फत, मगर उन्होंने उस नोटिस को लेने से इंकार कर दिया। ऐसा अरुण सिसोदिया जी का कहना है, जो कि एआईसीसी के मेंबर हैं और पूर्व महामंत्री भी रहे हैं कांग्रेस से, तो एक बड़ी बात है। और उसके बाद अब वे चुनाव आयोग की इसकी शिकायत करेंगे, और साथ ही अब अगर बात नहीं बनती है और भूपेश बघेल जी, पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी माफी नहीं मांगते हैं अपने ही पार्टी के इस नेता अरुण सिसोदिया से, तो वे उन्हें कोर्ट तक घसीटेंगे। बड़ी बात है, लोकसभा चुनाव सर पर है और कांग्रेस में इस तरह की बातें एक अच्छी राजनीतिक पार्टी के अच्छे भविष्य की ओर संकेत नहीं दे रही है, अच्छा इशारा नहीं कर रही है। दूसरी बड़ी बात मधु जी, जिस तरीके से गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा दुर्ग जिले के कई ऐसे गांव हैं जहां पर वह गैस पाइपलाइन बिछा रही है और उसका किसान विरोध कर रहे हैं, और यह काम विधानसभा चुनाव से 6 महीना पहले से हो रहा है, उसके बावजूद गेल इंडिया जो कंपनी है वह गैस पाइपलाइन बिछाए पड़ी है और मुआवजा भी नहीं दे रही है। बावजूद इसके किसानों ने इंकार कर दिया अपने खेत की जमीन देने से, उनकी खड़ी फसल को चौपट करके गेल इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो हैं वह वहां गैस पाइपलाइन बिछा रहे हैं। इसे लेकर एक बैठक भी बुलाई गई थी तहसीलदार के ऑफिस में, जिसका कि बहिष्कार किसानों ने, बागडूमर के किसानों ने कर दिया था। अब उसके बाद तहसीलदार जी मीटर टेप निकल के खेतों की स्थिति नापने पहुंचे वहां पर, और वहां भी उनका विरोध का सामना करना पड़ा। बजाय मुआवजा देने के, किसानों का और उनके फसल का नुकसान का मुआवजा देने के, जिस जमीन का बिना अधिग्रहण के वहां पर पाइपलाइन बिछाई जा रही है उसका मुआवजा देने के, इस तरह से नाप जोक करना शोभा नहीं देता जिला प्रशासन को। पर अब ये तो होती रहेगी, ये मौका है किसानों से एक अच्छे संबंध बनाने का, तो देखते हैं कि केंद्र सरकार इस तरह से किसानों को कितना लाभान्वित करेगी और उनकी बातों को मानेगी। दूसरी बात है, धोखाधड़ी के नए नए तरीके इन दिनों देखे जा रहे हैं, कभी नौकरी के नाम पर, तो कभी लोन दिलाने के नाम पर, तो कभी घर का जीर्णोद्धार के नाम पर, तो और भी ऐसे तमाम तरह के उपाय धोखाधड़ी यानी जालसाजों ने बना लिए हैं, और पता चल रहा है कि फाइनेंस की आड़ में धोखाधड़ी करके बैंक खाते से 47 लाख रुपए, अच्छे ध्यान से सुनिए कि 47 लाख रुपए की धोखाधड़ी दुर्ग थाने में, मोहन नगर थाने में शिकायत दर्ज करी गई है, और खाता धारक से किसी भी तरह का कोई व्यावसायिक संबंधी नहीं है जिन्होंने इस तरह की धोखाधड़ी व्यवसाय के नाम पर करी है। बड़ी बात है, अभी इस पर कार्रवाई चल रही है, आगे और भी खुलासे होंगे। और दूसरी बात है, ट्विन सिटी की एक तरफ गर्मी की ऋतु जो है सर पर है, और मई की गर्मी अभी से ही महसूस की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जो गर्म हवाओं के थपेड़े हैं, लू जैसी गर्म हवाएं चल रही हैं, उससे नौतप्पा लग चुका है, और ऐसी स्थिति में ट्विन सिटी में ठंडे पानी पिलाने के लिए जो वाटर एटीएम लगाए गए थे करोड़ों रुपए की लागत से, लगभग 50 से ज्यादा वाटर एटीएम लगाए गए थे ट्विन सिटी में, उसमें से 35 वाटर एटीएम खराब पड़े हैं। बड़ी बात है, एक तरफ तो पानी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं और दूसरी तरफ जो वाटर एटीएम बनाए गए हैं वह भी खराब पड़े हैं। बंदरवाट इसे ही कहते हैं शासन के पैसों का। मधु जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध।